पॉइंट मैं हूँ आपकी दोस्त सटना। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लायर के बारे में। मल्टीप्लायर होता क्या है? जैसे आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जैसे बिग पुश थ्योरी क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, और क्लासिकल थ्योरी, केन्स थ्योरी, इनकम की जो मॉडल है, जो एम्प्लॉयमेंट का मॉडल है, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि है मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर क्या होता है, आप लोगों ने मैथ्स में काफी सुना होगा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कैसे? अगर आपको किसी चीज की वैल्यू है वो दो गुना इंक्रीज करनी है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो टू के साथ। इस टाइम पे मैंने कितनी गुना बोली है, दो गुना। सो इस टाइम पे मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 4000। इसी तरह से करते हैं ना आप सब जब मल्टीप्लाई करते हैं मैथ में। अगर हमें 4000 की वैल्यू को किससे करना हो, तीन गुना करना है, ट्रिपल करना है, तो हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12000, है ना। तो इसी तरह से आप मैथ में मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? तो जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया 2000 की, ठीक है, लेकिन इसपे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे इनकम कितनी हुई इसपे, तो इनकम मेरी इस पे हो जाती है 6000। तो इस चीज से आपको क्लियर हुआ कि मुझे जो मैंने इन्वेस्टमेंट तो कम की है लेकिन अर्निंग मुझे कितनी ज्यादा हो रही है, वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2000 ओवर 6000 कितना आ गया हमारे पास, 3। यानी कि मेरे पास तीन गुना ज्यादा क्या हो गई है, इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हुई है। सो दैट इज मल्टीप्लायर, कितने गुना मेरी इनकम हुई है, कितने गुना मुझे प्रॉफिट हुआ है जब मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट पे जितनी हमारी अर्निंग हुई है, जो चेंजेस आती है इन्वेस्टमेंट और अर्निंग में, तो जो कितने लेवल पे जाती है, कितनी गुना होती है, कितनी मल्टीप्लाई करके होती है, उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्लियर? अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट दो की थी, मेरे पास जो इनकम हुई है वो 6000 की हुई है, यानी कि मेरी जो इनकम है वो तीन गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो गया, ये तीन गुना क्या है, मल्टीप्लायर। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में इस तरह से मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम इसे और सिंपल वे से समझेंगे। तो अगर हम केन्स के अकॉर्डिंग चले तो केन्स का क्या कहना था, केन्स का कहना था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो इनकम है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है इससे कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है तो उससे आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट और इनकम में जो चेंजेस आते हैं, चेंज के साइन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है जी। जब हम किसी चेंजेस की बात करते हैं, जिसके उतार चढ़ाव चेंजेस जो भी हमारे डिफरेंस आते हैं, तो उस चीज को हम किससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा से, ठीक है जी। इस चीज से हम डिफाइन करते हैं। तो क्लियर हुआ आपको, अगर चेंज होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, देन हमारी जो इनकम है वो भी चेंज हो जाएगी, चेंज इन इनकम। इनकम किससे चेंज होगी, अगर हमारी जो कंजम्पशन है वो चेंज होगी। क्लियर है ना? इनकम कैसे, अगर कोई बंदा चीजें खरीदेगा नहीं तो हमारी इनकम होगी। किसी बंदे का, सपोज मैं एक पर्सन हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ या मैं किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे देती हूँ, तो दैट अगर मैंने उसको पैसे दिया तो वो उसकी इनकम बन जाती है उस टाइम पे, ठीक है। उसने जो स्टॉक आखिर जो चीज खरीदी होती है तो वो क्या करता है, अर्निंग ही करता है। तो हमने पैसे दिया, वो उस टाइम पे उसकी क्या बनती, वो इनकम बन गई। तो अगर कंजम्पशन में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, फिर से वो किसी की इनकम बन जाएगी, चेंज इन इनकम। सो ये सर्कल है ना, वो इसी तरह से चलता रहता है।
जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसपे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका जो सर्कल ऑफ फ्लो है, जो पॉवर्टी का सर्कल है, वो किस तरह से चलता है, कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट थी, कम अर्निंग थी, कम कंजप्शन थी, उसके कारण क्या था, ये सर्कल इसी तरह से चलता रहता ना। फिर से आप क्या करते थे, कम ही इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि अर्निंग कम थी। लेकिन अगर ये क्या है, ये पॉजिटिव है, जब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती है, अर्निंग से कंजम्पशन ज्यादा होगी, ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है, इससे आपका जो लेवल है, जो ग्रोथ है वो होती है, ठीक है। लेकिन सर्कल ऑफ पॉवर्टी में क्या था कि वो आपको गरीबी की तरफ लेके जा रही थी, यानी कि लो ही हो रहा था, इन्वेस्टमेंट लो हो रही थी, इनकम लो हो रही थी, कंजम्पशन लो हो रही थी, डिमांड कम हो रही थी, सप्लाई कम हो रही थी, तो वो सारा क्या था, एक लो लेवल पे चल रहा था। लेकिन यहाँ पे वो बात करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी चेंज करते हो तो आपके इनकम भी चेंज होती है, इनकम से कंजम्पशन भी चेंज होती है, उससे कंजम्पशन से फिर से इनकम पे फर्क पड़ता है, फिर से वो चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरह से केन्स का अकॉर्डिंग ये था कि इनकम, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो उस केस में आपकी इनकम भी इंक्रीज होती है, क्लियर। मल्टीप्लायर है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, विद द साइन ऑफ के, ठीक है, हम के से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई यानी कि के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको हम दूसरा वे कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई, क्लियर। वाई का मतलब इनकम एंड डेल्टा आई का मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास इनकम कितनी हो रही थी, 6000 की, ठीक है, 6000 की हमारे पास इनकम हो रही थी। इन्वेस्ट मैंने कितना किया था, 2000 का, तो मेरे पास कितना आ गया था, 3, यानी कि मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया था, यानी कि के मेरे पास आया था इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मल्टीप्लायर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो किस तरह से। अब जो मल्टीप्लायर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी का मतलब क्या है, मार्ज ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, एंड एमपीएस का मतलब है मार्ज ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अगर आपका एमपीसी, आपका एमपीसी अगर इंक्रीज होगा, मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूमर आपका इंक्रीज होगा, तो आपका जो मल्टीप्लायर है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एमपीसी इंक्रीज तो आपका मल्टीप्लायर इंक्रीज। लेकिन एमपीएस में क्या है, अगर आपका एमपीएस इंक्रीज होता है तो उस केस में आपकी जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर दैट वुड बी डिक्रीज। ये क्या है, रिवर्स है। क्यों, अगर हम कंज्यूम करते हैं किसी चीजों पर तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन में हमारा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीजों के लिए, कंज्यूम करने के लिए आप क्या करते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, पैसे देके चीजें लेते हो, तो उस चीज पे आपका जो मल्टीप्लायर है, जो इनकम है, इनकम ही होगी ना, इनकम और इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर में क्या चीज आ गई थी, इनकम और इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या हो गया, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप एमपीएस को देखो, यानी कि अगर हमारी सेविंग्स को देखें कि हाँ भी हम सेविंग कर रहे ज्यादा, लेकिन हम कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो उस केस में मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर क्या है, इनकम और इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो इनकम और इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने सेविंग करनी शुरू ज्यादा कर दी, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो उस केस में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है, क्लियर। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब आपको इससे एक बार क्लियर हो गई होगी कि जी अगर हम मल्टीप्लायर इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन एमपीएस, सॉरी एमपीसी,
ठीक है, यही मतलब बना रहे हैं। अगर हमें मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना है, इनकम को इंक्रीज करना है, हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, तो वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाता है? एनपीसी पे, यानी कि कंजम्पशन पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो इनकम है, जो हमारी इनकम है, वो किस पे डिपेंड होती थी? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट पे, राइट? यही हमने क्लियर किया था ना उसमें कि जो इनकम है हमारी किस पे डिपेंड होती है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमें मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली हमें किस चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों से ही हमारी जो है अर्निंग इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, सो क्या चीज बन गया हमारे पास? वाई डिपेंड ऑन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये किस पे डिपेंड था? हमारी चेंजेस ऑफ इनकम एंड चेंजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। क्लियर? अब अगर हमें वाई निकालना हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? ठीक है, अब हम अगर हमारी इनकम चेंज होती है, वाई चेंज हुई तो किस केसेस में चेंज होती है? कंजम्पशन भी चेंज हुई होगी ऑब्वियसली, फिर उसके साथ हमारी क्या चेंज हुई है? इन्वेस्टमेंट भी चेंज हुई है। क्लियर? अगर हमें इसमें आई निकालना हो, अगर हमें इन्वेस्टमेंट देखनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इन सब चीजों से हमें एक और क्या हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा बन गया वो? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड क्या चीज? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। सो हमने इससे और इससे एक नया फॉर्मूला क्या क्रिएट कर लिया? के का डेल्टा वाई यानी कि इनकम में चेंज, इनकम और कंजम्पशन को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमने अगले स्टेप की तरफ, वो है अजम्पशंस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अजम्पशंस क्या है इसकी मल्टीप्लायर की, वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे अजम्पशन ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में, क्या क्या इसकी मान्यता है। देयर इज नो चेंज इन द एंड। यस, अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो इसमें क्या है, चेंजेस नहीं होती ज्यादातर। किसमें? एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव में। क्लियर? सेकंड है, इंड्यूस कंजम्पशन डज नॉट रिजल्ट इन द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि जो डिपेंड करती है हमारे इनकम और प्रॉफिट पे। जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उससे हमें कितना इनकम होने वाली, कितनी इन्वेस्टमेंट होने, कितनी हमें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो उस केस में जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एस्टिमेट होता है कि अगर हम इतना पैसा लगाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे हमें इतना प्रॉफिट आएगा, तो वो इस केस में ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है। ठीक है, रिजल्ट जो है उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। क्लोज इकोनॉमी, जैसे पहले भी हमने बात किया, दिस मीन्स फॉरेन ट्रेड हैज नॉट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। यानी कि हमने पहले बात की थी, ये क्लोज इकोनॉमी है, ट्रेड बाहर फॉरेन के साथ हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, अगर करते तो शायद हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता। क्लियर? फोर्थ, कंज्यूमेबल आर फाउंड इन सफिशियंट क्वांटिटी। यानी कि यहाँ पर जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो क्या है? सफिशियंट नहीं है। ठीक है जी, पूरी मात्रा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। जैसे हमने पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में, ऐसी इकोनॉमी में इंटरफेयरेंस नहीं करती है। लास्ट, द प्राइस लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट इन इकोनॉमी। प्राइस की बात करें तो इकोनॉमी जो प्राइस है वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट रहता है। क्लियर? तो ये कुछ एजम्पशंस है किसकी? मल्टीप्लायर की। अब हम बात करेंगे इसकी एनालिसिस के बारे में। दो तरह से इसे एनालिसिस किया गया है मल्टीप्लायर को, वो किस तरह से किया गया है? सो मल्टीप्लायर को दो तरह से एनालिसिस किया गया है, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस एंड सेकंड वन इज डायनेमिक एनालिसिस। अब जो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है वो क्या चीज होती है? जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी चेंजेस होती है इन्वेस्टमेंट और उससे क्या चेंज हो जाती है? हमारी इनकम। ठीक है, केन्स के द्वारा क्या कहना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट चेंजेस करते हो तो उससे आपकी इनकम भी चेंज होती है। तो उस बेसिस पे इसको क्लियर किया गया है, कंपैरेटिव एनालिसिस को।
कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस को दो तरह से हमें डिफाइन किया गया है, एक है फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर एंड सेकंड वन इज द बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर क्या होता है कि जब आपकी इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड क्या होती है चेंज ऑन इनकम ये दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रही हूँ दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। क्योंकि इसमें क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लायर क्या कर रहा है इस चीज में इंक्रीज कर रहा है आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। सो ये एक पॉजिटिव हो गया इंक्रीमेंट क्योंकि इस टाइम भी क्या है आपका सब कुछ इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सो सेकंड वन इज बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सेकंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर इज दैट कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट में डिक्रीमेंट है आपने इन्वेस्टमेंट कम की है तो उस केस में आपको इनकम में क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस केस में आपका जो मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा वो भी डिक्रीज ही हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है रिवर्स, सो दैट इज रिवर्स एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है। इस चीज में क्या था फॉरवर्ड जा रहा था वो आगे बढ़ रहा था इंक्रीज हो रहा, लेकिन दैट इज बैकवर्ड जब आपने इन्वेस्टमेंट कम की है और आपको इनकम ही कम हुई है। सपोज आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर ली लेकिन आपको इनकम नहीं हुई तो ऑब्वियसली आप अगली बार इन्वेस्टमेंट कम ही करोगे ज्यादा नहीं कर पाओगे। सो उस केस में आपका जो मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द रिवर्स एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। ठीक है जी, तो अब हम इस चीज को एक ग्राफ से समझेंगे। ठीक है जी, इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरह से ये कर्व बनाता है किस तरह। सो अब हम इसे डायग्राम से थ्रू समझेंगे। इस चीज में हमें हमारा मल्टीप्लायर कितना है 2, यानी कि जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है वो अर्न हुआ है कितना 2 गुना ज्यादा हुआ है। ठीक है, 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें मुझे 2 गुना ज्यादा अर्निंग हुई है या इनकम हुई है। ठीक है, उस हिसाब से क्या है ये फॉरवर्ड है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10 पे था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था जब हमारा चेंज हो गया। पहले ग्राफ ये बन रहा था, ठीक है, पहले ग्राफ इस चीज पे था, अब वो शिफ्ट हो गया ऊपर। ठीक है, तो शिफ्ट होने पर का मतलब क्या है इंक्रीमेंट किया मैंने इन्वेस्टमेंट पे भी किया और मेरी इनकम जो है वो क्या हो गई फॉरवर्ड हो गई, मुझे कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी, फॉरवर्ड एक्शन को इससे रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये फॉरवर्ड थी। सो अगर हम इसके बैकवर्ड देखे एक्शन तो उस केस में क्या होगा ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो कम की होगी उस केस में। ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लायर है वो भी कम हुआ होगा। ठीक है, तो उस केस में ये चीज कर्व किस तरह की बन जाएगी, पहले इतनी थी फिर उसके बाद डिक्रीज हो गई तो ये एक्शन इस तरह से चला जाएगा दैट इज बैकवर्ड एक्शन चला जाएगा। यहाँ से लिख देंगे बैकवर्ड। ठीक है, तो ये क्या चलेगा डिक्रीज ऑर्डर में चला गया अगर हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट कम किया हमारी अर्निंग भी उस टाइम पे कम होगी। ठीक है, तो उस टाइम भी ये इस तरह से बैकवर्ड की साइड चल पड़ेगा तो उसको हम बोल देंगे क्या। सो क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया किस तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्शन जो है वर्क करता है। अब हम बात करेंगे लीकेज क्या होती है, ये भी एक पॉइंट है किसमें हमारे मल्टीप्लायर में कि लीकेज क्या है। सो नेक्स्ट वन इज लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, अब हमने तो यही पढ़ा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारी अर्निंग जो है जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है लेकिन क्या हो जाती है आपकी जो अर्निंग है वो डिक्रीज होने लग पड़ती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो होती है हमारे एमपीएस के कारण। एमपीएस के कारण कैसे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है अगर हमारे पास इनकम है सपोज कर लो 1 करोड़ रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया मुझे उस पर अर्निंग होगी 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ अर्निंग होगी इनकम होगी। अब अगली बार क्या करूंगी, अब इस चीज में अगर मैं एमपीएस करूँ यानी कि अगर मैं इनमें से सेव कर लेती हूँ तो मेरे पास कितना बचा था 2.5। क्लियर, तो 2.5 मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास फिर क्या होगी इनकम तो मेरी डिक्रीज हो ही जाएगी इससे, है ना, क्योंकि अब इस केस में मैंने जो इन्वेस्टमेंट है वो कम की है 2.5 की है। ठीक है, तो अगर हम तो कुछ इस तरह से केसेस होते हैं कि जो भी हमारी इनकम होती है ये नेचुरल फीचर होता है कि हम लोग जितनी हमें हमारी इनकम होती है उनमें से थोड़ा सा जो पार्ट है वो बचा के रखते हैं सेव करके रखते हैं कई चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कई सारे इसके कारण हो सकते हैं कि जो हम सेविंग करते हैं या फिर जो भी हम चीजों को कम इन्वेस्ट करते हैं वो किस कारण से करते हैं। ठीक है, तो
उस चीज को बोलते हैं जब हमारी सेविंग हो जाती है और हमारी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो लीकेज बन जाता है, यानी कि लीकेज इज अ सेविंग्स। सो जैसे हम टैक्स देते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, ठीक है जी, कई बार हम सेविंग्स कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्ट के या एक्सपोर्ट के लिए हम पैसे लगा देते हैं, ठीक है, किसी को उधार दे देते हैं, उस केस में भी हमारी जो इनकम है वो चली जाती है हमारा पार्ट में। सो हम पूरा का पूरा तो इन्वेस्टमेंट पे लगा नहीं देते, उनमें से कई ऐसी कंडीशंस होती है जिसके कारण हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगाते हैं। सो कई बार महंगाई हो जाती है तो उस केस में भी हम सेविंग्स करते हैं, लीकेज होती है, ठीक है जी, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है जब लीकेज की प्रॉब्लम होती है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना।